तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। एक अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, तो इस सुंदर से क्वेश्चन को करते हैं, इसे अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो हार्ड वर्कर हो, अभी देखो रात को कितने बज रहे हैं, 2:46 हो रहा है, ठीक है। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ यार, ठीक है। मैं सोता ही नहीं हूँ यार, बहुत कम यार, कभी कभी। तो 2:46 AM हो रहा रात को, ठीक है। चलो, तो ये कहता है कि जो है ग्राउंड स्टेट में एन, ये ए नहीं है, एन इज इक्वल टू फ्रो 4 में एक इलेक्ट्रॉन है। बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन के एटम्स की बात हो रही है, ठीक है। एन इज इक्वल टू लिस्ट लिस्ट करो वो सारे वेवलेंथ निकालो जो ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू 4 से एन इज इक्वल टू 2 में, एन इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो ट्रांजिशन, देखो यहाँ से देखो, समझने की कोशिश करना, एन इज इक्वल टू 1 और ये एन इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 3 और ये एन इज इक्वल टू 4। अब जो है थोड़ा सा पास पास होता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही ड्रा कर दिया हूँ। चलो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एन इज इक्वल टू 4 में है, ये एक्साइट हो गया ग्राउंड में, एक इकलौता है बेचारा, एक्साइट होके एन इज इक्वल टू 4 में चला गया है। अब वो उसको जाना कहाँ है, वो 2 में जाएगा, इस वाले ऑर्बिट में आएगा, एन इज इक्वल टू 2 में आएगा। अभी कहाँ है, यहाँ पर ये यहाँ से 4 से 2 में कैसे आएगा, ये इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। जैसे एक वाइफ है, ठीक है, ये वाइफ है, समझ लेना इसको, ये वाइफ है और ये वाइफ जो है वो नाराज हो गई, नाराज होके मायके जाएगी, इसका मायके जाएगी, ठीक है। तो ये जो वाइफ है वो नाराज होके अगर मायके जाएगी तो ये इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि वो कैसे जाएगी, किस बात से जाएगी, हेलीकॉप्टर से जाएगी, पैदल जाएगी, ठीक है, या कैसे जाएगी, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ वही बता सकती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 4 में है तो 2 में कैसे जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि वो कैसे कैसे जा सकती है, वो उसके पति को पता होगा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू 4 से वो डायरेक्ट जा सकता है 2 में, ठीक है। एक ट्रांजिशन यहाँ से हो सकता है, तो जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ में λ1 मान लेता हूँ। दूसरा रास्ता ये है कि वो 4 से 3 में चला जाए, तो जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ में λ2 मान लेता हूँ, और जब 3 से आ गया तो 3 में नहीं रहेगा ना भाई, 2 में तो जाना ना, तो 2 में आ गया, तो यहाँ एक ट्रांजिशन हुआ और जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ में λ3 मान लेता हूँ। तो 3 वेवलेंथ बनेंगे, λ1, λ2, λ3, ये तीनों हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये बात हमें याद रखना कि हर एक ट्रांजिशन में एक ही फोटोन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी फिक्स है, तो फिक्स एनर्जी एक फोटोन के फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन में एक ही एनर्जी निकलता है, तो यहाँ पे 3 फोटोन निकलेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो है भाई, निकलेगा तो एक ही ना यार, एक अगर ये यहाँ से दूसरे वाले रास्ते से आया तो 2 फोटोन निकाला, पहले वाले से आया तो 1 फोटोन निकला, तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन 3 पॉसिबल है, 3 वेवलेंथ है, 3 ट्रांजिशन है, 3 फ्रीक्वेंसी है। तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। चलो आप एनर्जी, हमें हाइड्रोजन का है तो एनर्जी में रटा हुआ है, इसकी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 की कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रट लिए हम लोग, याद है। और इसका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर मुझे पहले λ1 निकालना है, तो λ1 देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो λ1 जो ट्रांजिशन है वो एन इज इक्वल टू 4 से कहाँ पर आया है, 2 में आया है, तो एन इज इक्वल टू 4 से 2 में आया, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगी वो HC/λ1 आ जाएगी। तो λ1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो HC/ एनर्जी डिफरेंस, HC की वैल्यू λ1 नैनोमीटर में दिया है, तो ये 12 नंबर 402, ठीक है, ये याद रखना है, 12 नंबर 402, और कहाँ था, 4 में था, तो 0.085 और -2 में गया, कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ से जो λ1 की जो कैलकुलेशन आ जाएगी, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेना,
तो ये 12 नंबर 402 और ये आ जाएगा 2.555, और फाइनली जो लैम्डा वन है फर्स्ट वेवलेंथ 487 नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्यारे बच्चों फर्स्ट वेवलेंथ। चलो सेकंड, सेकंड अब जो सेकंड वेवलेंथ है उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सेकंड वाले वेवलेंथ के लिए देखो कहाँ से कहाँ तक जंपिंग हुई है वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा और आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में अब 4 से 3 में गया है, एन इजिक्वल टू 4 से n इजिक्वल टू 3 में जा सकता है। ठीक है भाई, कूद के थोड़ी जाएगा भाई, किसी न किसी रास्ते तो जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई वो आ जाएगा SE/λ, और इसमें जो फोटोन निकला वो λ2 है, तो इसको मैं λ2 मान लेता हूँ। तो λ2 की वैल्यू आ जाएगी SE/Δe, एनर्जी का डिफरेंस, और 12 नंबर 402 हमें याद है, और एनर्जी का डिफरेंस कितना है 0.8 और माइनस, और 2 में जो है 3 में गया है तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे 0.8, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, ये 8.5 है प्यारे बच्चों, कभी कभी हो जाता है, हम रोबोट तो नहीं है। तो ये 0.85 -1.5 है, तो ये इसको सॉल्व कर लेना और ये आ जाएगा 12 नंबर 402 और 0.65, और फाइनली जो आ जाएगा 1910 नैनोमीटर। ठीक है, ये वाली दिस इज λ2, और λ2 कहाँ से कहाँ तक लिए हम लोग, 4 से 3 में, अब 3 से 2 में, तो 3 से 2 में जाएगा। तो देखो थर्ड वाले केस में, चलो कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो थर्ड वाले केस में थर्ड वाले केस में क्या कर रहा हूँ यार, थर्ड वाले केस में 3 से 2 में जाएगा। तो 3 से 2 में जाएगा, तो λ3 जो इसमें मैं कंसीडर किया हूँ वो आ जाएगा SE/ एनर्जी का डिफरेंस, SE मतलब 12 नंबर 402, और एनर्जी का डिफरेंस जो आ जाएगा, अब देखो 3 से 2 में गया तो 3 में 1.5 है और 2 में 3.4 है, तो इसको माइनस कर देना हमें, तो यहाँ से माइनस 1.5 और माइनस माइनस प्लस 3.4, तो कुल मिला के इसको जब सॉल्व कर लोगे तो 12 नंबर 402 1.9 और 654 नैनोमीटर, दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। तो ये पॉसिबल जब है वो 3 फोटॉन पॉसिबल है, 3 वेवलेंथ पॉसिबल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पर यार मतलब अगर पॉसिबिलिटी की बात करोगे या तो एक निकलेगा या तो दो निकलेंगे। ठीक है, कुल कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, अगर ऐसा 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पर अगर भाई या तो यहाँ यहाँ से यहाँ आएगा, या तो यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से आएगा, समझने, चलो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों।